नमस्कार, मैं प्रदीप शाह मुंबई से बोल रहा हूँ। अभी जो मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ वो चंद्रशेखर सिंह पहलवान की है। अपने ज़माने के नेशनल रेसलर रहे हैं। जुआनी में उन्होंने भरपूर मांसाहार किया था, फिर स्पिरिचुअल रीज़न से उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया, लेकिन दूध और घी का अति सेवन उनका बिल्कुल चालू रहा। ब्लॉकेज आया, दो स्टैंड डलवाए, फिर वापस 4-5 साल के बाद में हार्ट की प्रॉब्लम आई, वाल ठीक से काम नहीं कर रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने की। और उनके सद्भाग्य से सूरज भाई सावलिया ने नासिक में 8 दिन की शिविर रखी थी हमारे आदरणीय गुरु बालू भाई चौहान की, उन्होंने वो अटेंड की। आए तब तो ढंग से चल भी नहीं पाते थे, परंतु पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ उन्होंने ये अटेंड किया, इसे समझा और 100% लागू किया, तो चमत्कार हुआ। रिपोर्ट्स निकलवाए तो रिपोर्ट काफ़ी एनकरेजिंग थे, डॉक्टर खुद चौंक गए और उनको बोल दिया आपको लगता नहीं हार्ट ट्रांसप्लांट अभी करने की कोई ज़रूरत है। डॉक्टर समझ रहे थे कि हमारी दवाइयों ने काम किया है, हकीकत में उन्होंने कोई भी दवाई नहीं ली है, वो संपूर्ण प्राकृतिक खुराक पे थे और आज भी है। आज उनका 12 किलो वज़न कम हो गया है, उनकी ताजगी स्फूर्ति बनी है, आज अकेले वो माउंट आबू में रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो एक क्रिटिकल हार्ट का ऑपरेशन अगर रुकता है तो बहुत बड़ी सिद्धि है। आप भी ये न्यू डाइट सिस्टम NDS को समझिए और लागू कीजिए और स्वस्थ रहिए, यही प्रार्थना है। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह, उम्र 64 साल, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और चूँकि रेसलिंग करता था मैं, पहलवानी था मेरा पैसा। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्समैन लोगों की खुराक कुछ आम आदमियों से अलग हटके होती है, तो मेरा भी ऐसा ही था कि पहलवानों को, जैसे आप लोगों ने दंगल फिल्म देखी थी उसके अंदर वो जो महावीर का जो पार्ट बजाया है वो एक्चुअली मेरे साथ ही थे। जब मैं नेशनल चैम्पियन हुआ था तो उस समय वो मेरे साथ में 15-16 साल की उम्र के थे, तो हम साथ में करते थे। तो आपने फिल्म में देखा होगा कि कैसे उन्होंने मांस न खाते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को मांसाहारी भोजन कराया था। तो हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें थीं, तो 4-5 लीटर दूध पीना, 400 बादाम खाना उनका लेना, और इसके अलावा 0.5 किलो घी पीना, ये सारी हमारे खुराक में हुआ करती थी जब हम रेसलिंग करते थे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आगे चल के धीरे धीरे हम लोगों को पता नहीं चला कब मैं हार्ट का मरीज बन गया, क्योंकि दूध 4-5 लीटर का डेली सेवन करता था, तो हार्ट का मरीज बन गया। तो आज से करीब 5-6 साल पहले मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, जिसके अंदर मुझे 2 स्टेंट बिठाया गया। बाद क्या हुआ कि मुझे दवाइयों पे आना पड़ा और दवाइयों के बाद फिर मैं धीरे धीरे पता चला कि अब जाके मेरा हार्ट का वाल्व भी ख़राब हो गया। तो ये सब होने की वजह से क्या हुआ कि मैं काफ़ी निराश हुआ जब डॉक्टर ने ये बता दिया कि आपको क्या नाम से अब आपका हार्ट चेंज करना पड़ेगा। तब मैंने निश्चय किया कि नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, हम एलोपैथी दवाई न करके हम क्या करेंगे कि नेचुरोपैथी पे गए। तो बीबी चौहान गुरुजी के सानिध्य में एक शिविर लगा था नासिक में, तो उस नासिक के शिविर में मैंने भाग लिया और 8 दिन में लगातार वहाँ पे मैंने नेचुरल भोजन का अभ्यास किया। तो नेचुरल भोजन में जब हम आए प्राकृतिक भोजन के अंदर, तो पता चला कि हमारा भोजन वह नहीं है जो हम कर रहे थे अभी तक। तो वहीं पे भी उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रदीप भाई शाह, ये बॉम्बे से ही आए हुए थे वहाँ पे, इन्होंने दूध के बारे में जो जानकारियाँ दी तो उससे पता चला कि जानवर का दूध मनुष्य के लिए नहीं है। तो हमने वो सारी चीज़ों को फॉलो किया, 1.5 महीने हो गए जो डॉक्टर हार्ट बदलने की बातें कर रहे थे। अब 1.5 महीने के रिपोर्ट के बाद अभी नज़र आ रहा है उनको कि अरे ये तो नहीं, आपका तो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो मैंने पका हुआ भोजन छोड़ दिया,
इनका जो जानवरों का दूध, गाय भैंसों का, बकरी का दूध जो पिया करते, वो सब का त्याग किया और प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर ही हम आज जीवन बिता रहे हैं। और जिसका सबसे बड़ा श्रेय प्रदीप भाई और डॉक्टर वी चौहान जी को जाता है, जिन्होंने मेरे जीवन में परिवर्तन किया और आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा इस बात के लिए कि आप सभी इस प्राकृतिक जीवन को अपनाइए, प्राकृतिक आहार को अपनाइए। भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया में सारे हमारे लिए प्राकृतिक भोजन की व्यवस्था कर रखी है। जैसे संसार का हर प्राणी भोजन कर रहा है, वैसे हम भी, मनुष्य एक प्राणी है, वह भी अपना भोजन जो उसके लिए निर्धारित है वही भोजन करे। वह जय हिंद, जय भारत।